जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके चैनल विवेक मिश्रा स्टडी चैनल पर। बात करते हैं आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ड्यू टू टू पैरेलल प्लेन चार्ज शीट। इसमें हम दो पैरेलल चार्ज शीट लेंगे, उसके कारण हम किसी भी पॉइंट पर, एक तो उन दोनों चार्ज शीट के बीचों बीच किसी भी पॉइंट पर उनके बीच होना चाहिए, उस पॉइंट पर हम कंसीडर करेंगे, उस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, देखेंगे आएगा क्या। और एक तो हम उसके राइट साइड और एक लेफ्ट साइड निकालेंगे, उसमें जानेंगे क्या आएगा। अगर आप पिछली वीडियो ना देखे हो, ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा आपको वीडियो, जाकर वहां से देख लीजिए, नहीं सर्च कीजिए विवेक मिश्रा स्टडी चैनल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी, प्लेलिस्ट आप वहां से देख सकते हैं। तो पिछली वीडियो देखे होंगे क्योंकि उसका फॉर्मूला हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज करेंगे, वहां पर हमने डेरिवेशन कराया है। ये नहीं दिखाएंगे इसमें ई बराबर क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट हुआ, ये हम बार बार नहीं दिखाएंगे क्योंकि उसमें हमने इसके जस्ट पहले वाले में हमने करवाया है, तो वो वीडियो आप जाकर जरूर देख लीजिए। तो यहाँ पर बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ड्यू टू टू पैरेलल प्लेन चार्ज शीट होने, दो पैरेलल चार्ज शीट होना चाहिए। जैसे एक चार्ज शीट हम यहाँ पर ले लेते हैं, ध्यान समझिएगा, और एक चार्ज शीट हम यहाँ पर ले लेते हैं, दो पैरेलल चार्ज शीटें हैं, ठीक। इस पे अगर हम अंदर की तरफ प्लस 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 डालें, जरूरी नहीं अंदर की तरफ, बाहर डालेंगे तो इसमें अंदर की तरफ आएगा, आप प्लस में पढ़ के आए हैं। और इसमें अगर अंदर की तरफ प्लस है, इसके जस्ट अपोजिट, इसमें बाहर की तरफ हो जाता है, याद जानते हैं ना, इस वाले सीट के कारण इस पे आउटर साइड में क्या हो जाता है, प्लस चार्ज। अगर यहां पर निगेटिव चार्ज होता तो यहां पर आउटर साइड में निगेटिव चार्ज आ जाता। हम यहां पर कोई पॉइंट कंसिडर कर ले रहे हैं, इसके लेफ्ट साइड में पॉइंट पी, यहां पर पॉइंट क्यू और यहां पर पॉइंट, तीन पॉइंट कंसीडर किए। यहां पर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां पर पॉइंट पी पर जस्ट आउटर साइड होगी, ई1 भी और ई2 भी। ई1 मान लीजिए इस सीट के कारण ई1, इस सीट के कारण ई2, सपोज दैट, चाहे इसके कारण ई1 मानिए, चाहे इसके कारण ई2 मानिए, चाहे इसके कारण ई1 मानिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके कारण ई1 माने हैं फिर भी हमारा इसी साइड, इसके कारण मानेंगे फिर भी इसी साइड, जस्ट आउटर साइड होगा। इस पॉइंट पर लेंगे जस्ट, इसके कारण लेंगे फिर भी हमारा ई1 आउटसाइड, ई2 भी आउटसाइड, समझ में आया। लेकिन जब हम पॉइंट क्यू पर ले रहे हैं, इस सीट के कारण किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, ई1 लीजिए या ई2 लीजिए, अगर यहां पर इसके कारण ई1 ले रहे हैं तो ई1 इस डायरेक्शन में होगा, इस सीट के कारण लेंगे इसमें भी अपनी तरफ, मतलब आउटर साइड मिलेगा, तो इसके कारण ई2 इस साइड में होगा, वेक्टर ई2 दिखा दीजिएगा, ये जो वेक्टर ऊपर लगा रहे हैं ना, वेक्टर डायरेक्शन दिखाता है आपका कि ये वेक्टर है हमारा, और डायरेक्शन जो है हमारा इसका, जिस जहां पर ये तीर लगाया गया है वही है, ये पॉइंट हमारा हो गया। हम मान लेते हैं इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है हमारा, सिग्मा, तो लिख लेंगे इसमें, कंसीडर टू इनफाइनाइटली, कंसीडर टू इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन चार्ज शीट, चार्ज शीट, दो हमने प्लेन चार्ज शीट ले लिया, इसका नाम रख लीजिए शीट ए, इसका नाम शीट ए एंड बी। अब हम यहां पर दिखाएंगे जिसमें चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2, इसके इसमें चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 ले लीजिए, इसमें चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2, वेयर चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, जहां पर चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 है। तो हम जानते हैं जब हमने दिखाया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली प्लेन चार्ज शीट, तो वहां पर आपको याद होगा कि हमने कुछ इस प्रकार फिगर बनवाया था आपको, कुछ इसी प्रकार फिगर था हमारा, और यहां पर ये डॉटेड लाइन था,
याद होगा अगर पिछली वीडियो आपने देखा होगा तो ये चीज, तो इसके कारण इधर होगा, इसके कारण इधर रहा होगा जो भी आया था। यहां पर जो हमारा निकल के आया था फाइनली आंसर E बराबर सिग्मा पान टू एप्सिलॉन नॉट, उसी का यूज हम यहां पर करेंगे। पिछली वीडियो में आपको हम बढ़िया से डेरिवेशन इसका कराए हैं तो लिख लेंगे यहां पर, सिंस वी नो दैट, वहां पर देख लेंगे आप समझ जाएंगे, सिंस वी नो दैट इक्वल टू सिग्मा अपान टू इप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ए, तो लिखेंगे हम यहां पर पॉइंट लिख लेंगे किसके कारण एट पॉइंट पे निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। देख रहे हैं E1 और E2 का डायरेक्शन दोनों है, अगर हम मान ले ये वाला राइट लेफ्ट टू राइट हमारा चाहे जिधर मान चाहे लेफ्ट टू राइट हम मान ले पॉजिटिव है या राइट टू लेफ्ट हमारा पॉजिटिव है, लेकिन हम एक ही डायरेक्शन मानेंगे, अगर लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव माने हैं जितने भी हमारे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर देख रहे हैं ई टू हमारा तब पॉजिटिव हो जाएगा, यहां पर ई वन ई टू दोनों पॉजिटिव होगा, यहां पर अगर राइट टू लेफ्ट जो आ रहा है उसको अगर हम निगेटिव माने तो ई वन हमारा निगेटिव होगा और ई वन ई टू पी के कारण ये दो के दोनों हमारे निगेटिव होंगे। याद रखिएगा हमने कंसिडर कर लिया लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव, ठीक, आप चाहे जो भी कंसिडर करिए, आप राइट टू लेफ्ट अगर कंसिडर करेंगे आएगा फाइनली आंसर आपका वही, बस इतना अंतर हो जाएगा इसमें पॉइंट आर पर निगेटिव आ जाएगा पॉइंट पी पर पॉजिटिव आ जाएगा, बट फाइनली हमारा जो आंसर निकल के आएगा आएगा सेम, इसीलिए बार बार बता रहे हैं कंसिडर कर लीजिए लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारा पॉजिटिव है। तो यहां पर देख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पर देख रहे हैं वेक्टर ई वन वेक्टर ई टू दो का दोनों का डायरेक्शन सेम साइड में है, जब सेम साइड पे होता है तो जुड़ता है, और एक चीज ध्यान दीजिएगा जब सेम साइड पे है और ये देख रहे हैं राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ अपने देख लीजिए राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है तो ये इसका डायरेक्शन निगेटिव होगा, तो यहां पर लिख लेंगे ईवन इक्वल टू, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए, ईवन इक्वल टू क्या आ जाएगा सिग्मा अपान टू इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा वन हो जाएगा यहां पर सिग्मा वन अपान टू इप्सिलॉन नॉट, एंड E2 इक्वल टू सिग्मा टू अपान टू इप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर लिख लेंगे कहां से हुआ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जब E1 ले रहे हैं E1 कंसीडर कर रहे हैं तो सिग्मा वन, E2 ले रहे हैं E2 इसके कारण हो रहा है तो सिग्मा टू, समझ में आया तक किसी कोई प्रॉब्लम, सिंस वेक्टर E1 एंड वेक्टर E2 अगर हम कहीं भूल भी जाए तो आप लगा लीजिएगा वेक्टर, वेक्टर E1 एंड वेक्टर E2 आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन, सो जब ये सेम डायरेक्शन में है तो सो हमारा वेक्टर E एट पॉइंट P पर क्या निकल जाएगा वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 निकलेगा, वेक्टर E1 की वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस, और एक चीज ध्यान दीजिएगा ये जब राइट टू लेफ्ट साइड में आ रहा है तो यहां पर माइनस साइन लगेगा, ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा यहां पर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा सिग्मा टू अपान टू इप्सिलॉन नॉट, अब क्या करेंगे यहां से माइनस वन अपान टू इप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लीजिए, क्या बचा हमारा सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, पॉइंट के लिए निकल आया सेम डायरेक्शन, यहां पर लिख लीजिए आर सेम डायरेक्शन, सो अब यहां पर दिखा देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट के लिए निकाल रहे थे एट पॉइंट पी पर, अब एट पॉइंट क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आज स्पेलिंग बहुत मिस्टेक हो रहा है जी, वो क्या है थोड़ा ठंडी ओवर हो रहा है ना, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है हमारे यहां, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट
क्यू, क्यू पॉइंट पर निकालेंगे। देख रहे हैं इवन हमारा राइट टू लेफ्ट आ रहा है, इसका इवन क्या हो जाएगा, वेक्टर इवन इक्वल टू क्या होगा, माइनस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। एंड वेक्टर ई टू अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ई टू ये लेफ्ट टू राइट तो ये पॉजिटिव होगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। समझ पा रहे हैं? अगर हम यहां पर देख लें कि इट इज अपोजिट डायरेक्शन, ये क्या है, दो के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। समझ पा रहे हैं ना, ये E1 और E2 जो है ये क्या है, दो के दोनों देख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं, जिसके कारण जो राइट टू लेफ्ट आ रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव हो जाएगा, और लेफ्ट टू जो राइट जा रहा है वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। हम जानते हैं किसी भी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उस पर जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रहे हैं, चाहे वो राइट टू लेफ्ट हो रहा है चाहे लेफ्ट टू राइट, वो एड होता है। तो एट पॉइंट क्यू पर जब निकाल रहे हैं तो वेक्टर ई क्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा, वेक्टर ई वन प्लस वेक्टर ई टू, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये है राइट टू लेफ्ट आ रहा है तो उसको माइनस दिखा दिए, लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो उसको पॉजिटिव दिखा दिए, जैसा कि हमने दिखाया है। तो क्या करेंगे आप, ईवन की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, प्लस ई टू की वैल्यू क्या रखेंगे, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यहां पर देखेंगे वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, माइनस वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लीजिए, या फिर आप ऐसा कुछ कीजिए, वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट जब कॉमन कर लेंगे क्या बचेगा, ये सिग्मा वन है ये सिग्मा टू है, सिग्मा टू माइनस सिग्मा वन। देखिए अगर आपके किताब में सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू आ रहा है कंफ्यूजन मत होइएगा, कोई दिक्कत नहीं है वहां से। उसमें क्या किया होगा कि ये ए के कारण इवन लिया होगा, यहां पर ये डायरेक्शन दिखाया होगा और इसके कारण ये डायरेक्शन, तो यहां पर इवन जो आया होगा इस डायरेक्शन में, ई टू आया होगा इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज किया होगा, बस कोई दिक्कत नहीं यहां पर। अब हम क्या करेंगे, बात ये समझेंगे, ध्यान देंगे, ये ई क्यू निकल गया, अब हम सिमिलरली ई आर निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या तो नोट कर लिए लिखेंगे, ये समझ में आ गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट, किस पॉइंट पर, आर पॉइंट पर, एट पॉइंट आर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ई1 भी हमारा लेफ्ट टू राइट है, ई2 भी हमारा लेफ्ट टू राइट है, टोटल हमारा क्या आ जाएगा, यहां पर लिख लेंगे वेक्टर ई1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ही होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहा है पॉजिटिव है, एंड वेक्टर E2 भी वही होगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन। तो फाइनली जो आ जाएगा वेक्टर E एट पॉइंट R इक्वल टू क्या निकलेगा हमारा, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। ऐड हमेशा करते हैं, वेक्टर E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, E1 की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट वेक्टर ई आर, या फिर आप यहां से वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लीजिए, यहां पर वन और यहां पर टू रहेगा, नहीं दिख रहा है, चलिए थोड़ा हम बड़ा बड़ा लिख देते हैं ताकि आपको बढ़िया से दिखे, ई आर जो होगा इवन की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये वन है सिग्मा वन, ये सिग्मा टू, यहां से क्या करेंगे वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आप कॉमन करेंगे, क्या मिलेगा सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, ये वेक्टर ई आर निकल गया एट पॉइंट आर। नोट कीजिए फटाफट से, नोट कर लिए, चलिए यहां तक समझ में आ गया, फिगर हटा दें क्योंकि स्पेशल केस भी हमको अभी दिखानी होगी, एक स्पेशल केस, अगर हम सिग्मा वन और सिग्मा टू ना लेकर के हल करें तब क्या होगा, अगर हम प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा ले लें तो लिख लेंगे स्पेशल केस, स्पेशल केस इफ वी कंसीडर, यदि हम कंसीडर करें प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा कंसीडर करें तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी क्या निकला है हमारा, पॉइंट पी पर माइनस वन अपॉन
टू एप्सिलॉन नॉट, जब ये कंसिडर करेंगे इट्स मीन क्या है इंप्लाइज दैट करके लिख लेंगे, सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा मान लीजिए और सिग्मा टू इक्वल टू माइनस सिग्मा मान लीजिए। ठीक, समझ पा रहे हैं? या कुछ भी मान सकते हैं, सिग्मा टू इक्वल टू सिग्मा मान लीजिए, कोई जरूरी बात नहीं है, सिग्मा टू इक्वल टू सिग्मा एंड सिग्मा वन इक्वल टू माइनस सिग्मा मान लीजिए। समझ में आ रहा है? चलिए अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, यहां पर देखिए सिग्मा वन और सिग्मा टू वैल्यू रख दीजिए, सिग्मा वन की वैल्यू क्या है माइनस सिग्मा और सिग्मा टू वैल्यू क्या है प्लस सिग्मा, ये प्लस में माइनस करके जीरो हो गए, फाइनली आंसर जीरो, ई पर भी हमारा जीरो। एट पॉइंट क्यू देखेंगे, वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा टू, सिग्मा टू वैल्यू क्या है सिग्मा और माइनस सिग्मा वन की वैल्यू क्या है माइनस सिग्मा, वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस माइनस सिग्मा, माइनस माइनस प्लस सिग्मा, मतलब टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, टू से टू कैंसिल, तो आ गया हमारा फाइनली आंसर वेक्टर ई क्यू इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम निकालें वेक्टर ई एट पॉइंट आर, आर पॉइंट पर अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ये भी तो जीरो आना चाहिए, सिग्मा वन की वैल्यू माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा टू वैल्यू सिग्मा, ये क्या आ गया वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटू जीरो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट आर इक्वल टू जीरो, मतलब पी और आर पर देख रहे हैं जीरो हो रहा है, इस पर आ रहा है आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका मीन फटाफट से नोट डाउन, याद रखिए इतना नोट डाउन इतना, उसके बाद इतना फील्ड, इसके बाद इतना नोट डाउन कीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नोट डाउन कर लिए, अब हम बात करेंगे कि जब हम दो इनफाइनाइट प्लेन सीट चार्ज ले रहे थे, दो हमारा चार्ज सीट हो रहा था, कोई लॉन्ग चार्ज सीट था, उस पर यदि हमने चार्ज मान लिया था, कंसीडर किया था, प्लस प्लस चार्ज है, एक के अंदर साइड रहेगा दूसरे बाहर साइड, दो अंदर साइड हो नहीं सकते क्योंकि रिपल करेंगे बहुत ही ज्यादा, हम जानते हैं एक पे अंदर साइड कर रहे हैं तो दूसरे पर बाहर साइड ही हमारा चार्ज वही आता है, उसके अंदर निगेटिव चार्ज हो जाता है, तो हम क्या करेंगे अब कि दोनों के बीच में यदि जो पॉइंट लेंगे उस पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट दोनों चार्ज के बाहर के साइड अगर लेंगे तो उस पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, इससे हमारा यही मतलब रखता है। चलिए एक और देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक और देख लेते हैं इसमें, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, 18-20 मिनट का हो गया है, तो चलिए ठीक है अगले वीडियो में हम बना देंगे। ये समझ में आया, थोड़ा ही पढ़िए लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से पढ़िए ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए, एक बार फटाफट से रिवीजन करा देते हैं। चलो हमने मान लिया था कंसीडर टू पॉइंट इनफाइनिटली प्लेन चार्ज सीट ए एंड बी, जहां पर हमने चार्ज डेंसिटी सिग्मा वन एंड सिग्मा टू माना था, सिग्मा वन किसी पर भी मान सकते हैं, सिग्मा टू चाहे जिस पर मान सकते हैं आगे पीछे, जरूरी नहीं है कि ए पर ही सिग्मा वन माने, ए बी पर मान सकते हैं, ए पर मान सकते हैं, आपकी मर्जी। हम जानते हैं इसके जस्ट वाले पहले वाले में इनफाइनिटली प्लेन सीट चार्ज के लिए जो हमने प्रूव कराया था E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट निकला था, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, P पॉइंट पर निकालेंगे, हमने दो सीट दिखाया एट पॉइंट P, मतलब इस साइड अगर दिखाया तो दो के दोनों हमारे निगेटिव साइन, अगर राइट टू लेफ्ट हमने निगेटिव माना, निगेटिव साइन में जा रहे थे, दोनों दोनों निगेटिव हो गए, दोनों को जोड़ने पर ये निगेटिव वैल्यू आ गई। क्यू पर यहां पर देख रहे थे एक E1 के कारण इस साइड और E2 के कारण इस साइड, दोनों चाहे E2 इस साइड होगा E1 इस साइड, वो जो आप मानेंगे प्लेन सीट चार्ज उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम बताएंगे कि ये जैसे मान लीजिए एक एक तो माइनस हो जाएगा एक तो प्लस, दोनों को ऐड करेंगे, ये माइनस ये प्लस, तो कॉमन कर लेंगे, ये प्लस था ये माइनस था इसलिए इसको प्लस लिख दिए, इसको माइनस लिख दिए। अब हम क्या करेंगे इस पर निकालेंगे, इस पर भी सेम होगा, दो के दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव मान लिख दिया गया। स्पेशल केस में अगर हम सिग्मा वन सिग्मा टू ना मान करके प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा मान ले तो हमारा क्या हो जाएगा, जब हम प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा मानते हैं इंप्लाइज दैट सिग्मा टू इक्वल टू प्लस सिग्मा, या फिर आप सिग्मा वन इक्वल टू प्लस सिग्मा मान लीजिए तो आपकी ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। हमेशा ध्यान दीजिएगा ये जब आप माने क्या हो कि E1 प्लस E2, E1 की वैल्यू निगेटिव में थी, आप ध्यान दीजिएगा E1 जो था आपका निगेटिव चार्ज में जा रहा था तो सिग्मा 1 भी निगेटिव में ही जाएगा, निगेटिव ही कंसीडर करेंगे, ये आप हमेशा कंसीडर कीजिएगा।
यहाँ पर देख रहे हैं इवन जो हमने कहा था नेगेटिव साइड में, क्योंकि इवन कुछ इस साइड में था इवन, और ई टू हमारा इस साइड में था, तो हम क्या करेंगे सिग्मा वन भी इसी साइड में, मतलब सिग्मा वन भी हम माइनस लेंगे और सिग्मा टू प्लस टू लेंगे। अगर हम ई टू इस साइड लिए होते तो हम क्या करते, ई टू को माइनस करते और ई वन को प्लस करते। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा, अगर ई वन को ऋणात्मक तरफ ले रहे हैं तो सिग्मा वन भी हमारा ऋणात्मक तरफ ही होगा, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपकी वैल्यू ऋणात्मक आ जाएगी, आप श्योरली गलत कर जाएंगे, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो सिग्मा टू हमने क्या किया था, पॉजिटिव लिया था, ई टू पॉजिटिव लिया था, सिग्मा टू भी हमने पॉजिटिव ले लिया, ई वन माइनस लिया था, सिग्मा वन भी माइनस लिया। अब हम क्या करेंगे, सभी वैल्यू पुट कर दिए, वैल्यू पुट करने के बाद ई क्यूब पर जो वैल्यू आई वो क्या है कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, और जल्द ही हमारा एग्जाम भी आने वाला है, जल्द ही हमारा कोर्स भी कंप्लीट होने वाला है, जल्द से जल्द तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, क्योंकि जल्द जल्द मैं वीडियो को अपलोड करूंगा, आप जल्द जल्दी देख लीजिए। अब दिन भर में कम से कम 5-6 वीडियो फटाफट से आपको अपलोडेड मिलेंगी, और खूब तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए, और फटाफट से मेरी वीडियो पाने के लिए तैयार हो, देखो फिर फटाफट से वीडियो मिलेगी, मजा आएगा खूब। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।